हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अंजू हमने किया था चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर और आज हम करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होप यू रिवाइज द चैप्टर सो इन दिस चैप्टर द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस वेरी बेसिक क्वेश्चन की प्योर सब्सटेंस क्या है तो प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारी चीज़ें नहीं है सिर्फ एक चीज है वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर सो होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फर्क है तो पहले अगर हम करें होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर में हमने किया था कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो एकदम सेम रहती है ठीक है सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट लेकिन हेट्रोजीनियस में कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी करेगी डिफरेंट रहती है सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट और हेट्रोजीनियस में इट विल वेरी और हमने क्या किया था कि होमोजीनियस सोल्यूशन uh, uh, का एग्ज़ाम्पल जैसे आपने अगर एक ग्लास में सॉल्ट लिया है आपने उसको एड किया डिज़ोल्व किया तो हर सिप में आपको सेम टेस्ट आता है दैट इज़ होमोजीनियस और हमने हेट्रोजीनियस का एग्ज़ाम्पल किया था कि अगर आपने शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया है इन डिफरेंट क्वान्टिट्टीज़ तो वह बन जाएगा हीट्रोजीनियस मिक्सचर इस इज शुगर जो हमने ली मान लीजिए टेन स्पूंस एंड इसमें हमने ऐड किया सॉल्ट लाइक टू स्पूं तो वो हमारे को बना के देगा हीट्रोजीनियस मिक्सचर ठीक है नेक्स्ट इज हाउ आर सॉल सॉल क्या है क्लोडल सोल्यूशन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो इसमें जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है इनका नेचर कि किस तरह का नेचर है होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है सो so, जो आपका सॉल होता है या कलॉडल सल्यूशन होता है दैट इज हिट्रोजीनियस इन नेचर ठीक है इसके जो कॉम्पोनेंट्स है सोल्यूशन के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट हमेशा वो होता है जो कि लेसर क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो ग्रेटर क्वांटिटी में होता है ठीक है तो इसमें हिट्रोजीनियसली ये मिक्स्ड हैं जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं लाइट को स्कैटर करना मतलब अगर आपने एक बीकर में सॉल लिया है क्लोडल सोल्यूशन लिया है उसमें से आप लाइट पास करते हो तो आपको वो लाइट का पाथ विजिबल होता है लाइक इफ दिस इज सोल्यूशन एंड यू पास लाइट थ्रू दिस तो जो लाइट का पाथ है दैट विल बी विजिबल आपको दिखेगा कि यहाँ से लाइट जा रही है इन द केस ऑफ सॉल्व कलॉयडल सोल्यूशन दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन तो ओपेक होती है उसमें से लाइट फिर नहीं पास करेगी ठीक है नेक्स्ट इज ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर कि हमारे आस पास जितनी चीज़ें हैं अगर हमको सेग्रीगेट करना चाहें क्या चीज़ प्योर सब्सटेंस है और क्या मिक्सचर है सो so, अगर हम ले मिल्क मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है वाटर एक प्योर सब्सटेंस है जो है बहुत सारी डिफरेंट गैसेस मिक्सचर है जैसे आपको पता होगा एयर में ऑक्सीजन भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है नाइट्रोजन भी होती है और भी गैसेस के ट्रेसेस होते हैं तो एयर क्या हो गया एक मिक्सचर हो गया अगर आप लेते हो कोल्ड ड्रिंक जैसे गर्मियों में आप बहुत पीते होंगे आजकल कोल्ड ड्रिंक सो कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक मिक्सचर है क्या मिक्स किया है आपने कोल्ड ड्रिंक में आप देखते हो नॉर्मल जो वाटर होता है कोल्ड ड्रिंक में शुगर होती है कलर होता है ठीक है और गैस होती है तो वो मिक्सचर हो गया इन सारे कॉम्पोनेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई ईच ऑफ़ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर कि कौन सा इसमें यूनिफॉर्मली मिक्सड है कौन सा यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है सो फर्स्ट वन इज़ सोडा वाटर सोडा वाटर में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एडेड होती है वाटर में ठीक है लेकिन ये होमोजीनियसली मिक्स्ड है प्रॉपरली मिक्स्ड है हर सिप में आपको सेम टेस्ट मिलेगा दैट इज होमोजीनियस वुड इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर वो वेरी करता है उसमें कॉम्पोनेंट्स वेरी करते हैं एयर जैसे हमने कहा था अलग अलग गैसेस हैं मगर ऐसा नहीं कि यहाँ की एयर आपको डिफरेंट मिलेगी और उस कॉर्नर की एयर डिफरेंट मिलेगी नहीं होमोजीनियसली मिक्सड है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन सो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर सॉइल के कॉम्पोनेंट्स भी वेरी करते हैं कहीं पर ह्यूमर ज़्यादा है कहीं पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग सॉइल जो है वो भी हिट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ वेन अगर इज अगेन एसिटिक एसिड उसको बोलते हैं सिर का घरों में यूज होता है आप अनियन में डाल के भी खाते होंगे तो डैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर उसमें भी ऐसा नहीं है कि डिफरेंट सेप में डिफरेंट टेस्ट मिलेगा एंड फिल्टड टी अब टी में भी सेम आप उसको जब वॉटर में टी लीव्स और शुगर और मिल्क एड करते हो तो वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है और आपको हर सिप जो है वो सेम टेस्ट का मिलेगा सो इट इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट टेंडल इफेक्ट क्या है टेंडल इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो कलॉयल सोल्यूशन है वो लाइट के पाथ को विजिबल करा देता है क्यों क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं दोज आर बिग इनाफ टू स्केटर द लाइट ठीक है इसको बोलते हैं टिल इफेक्ट तो एक जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो एक क्लियर सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो वो लाइट को स्केटर नहीं करेगा वो एक ट्रू सॉल्यूशन जैसा है उसमें से अगर आप लाइट पास करते भी हो सो यू वोट नो कि उसमें से लाइट हम पास कर रहे हैं जैसे सोल्यूशन था पहले वैसे ही दिखेगा लेकिन मिल्क में से अगर आप लाइट पास कराते हो तो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं तो जब इसमें से आप लाइट पास कराओगे तो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होगा आपको पता चलेगा कि इसमें से लाइट पास हो रही है ठीक है सो दिस इज दिस शोज टंडल इफेक्ट मिल्क शोज टंडल इफेक्ट सॉल्ट सोल्यूशन डज नॉट शो ठीक है नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी पूरा होमोजीनिय मिक्सड होगा पार्टिकल साइज छोटा है ये भी इफेक्ट नहीं शो करेगा और स्टार्ट सोल्यूशन में पार्टिकल साइज थोड़े बिग इनफ होंगे लाइट को स्केटर करेंगे और टेंडल इफेक्ट शो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर कौन सा एलिमेंट है कौन सा कंपाउंड है कौन सा मिक्सचर है सो so, पहला है सोडियम आपने सोडियम सुना होगा अटोमिक नंबर इलेवन पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में 118 हंड्रेड एटीन एलिमेंट से हमने बात की थी उसमें से एक है सोडियम प्योर सब्सटेंस ठीक है सो दिस इज एन एलिमेंट सॉयल मिक्सचर है बहुत सारे मिनरल्स हैं वाटर है सिलिका है ठीक है शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है आपने उसमें क्या मिक्स किया आपने मिक्स किया उसमें वाटर और शुगर सो so, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर सिल्वर क्या है सिल्वर भी एक एलिमेंट है जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड आपने पढ़ा नेचुरली एकरिंग एलिमेंट्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन जब ये एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करेंगे तभी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और फिक्स्ड रेशो होती है कंपाउंड की सो इट इज अ कंपाउंड ठीक है फिर है टिन टिन भी एक एलिमेंट है टिन के बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे अपनी हायर क्लासेस में इसके यूज वगैरह के बारे में सिलिकॉन जो है सिलिकॉन भी एलिमेंट है और यूज होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर्स वगैरह में टेलीविजन में ठीक है कोल जो है कोल प्लांट्स और इन जो भी प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं वो जब अर्थ में ट्रैप रहेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए उससे जो फॉर्म होगा दैट इज़ कोल तो वो एक मिक्सचर है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्सड होंगी वो एक मिक्सचर है नेक्स्ट इज एयर एयर जो है एयर में बहुत सारी गैसेस ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस जो है आपस में मिक्सड होती है होमोजीनियसली मिक्सड होती हैं ठीक है ठेके? तो ये हो गया मिक्सचर सोप इज अगेन अ मिक्सचर इसमें आप फैटी एसिड लेते हो और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की पेलेट्स डालते हो तो वो मिक्सचर हो गया उसका मीथेन इज सी एच फोर अगेन एलिमेंट्स कंबाइन किए हैं एक फिक्स रेशो होगी एक कार्बन फोर हाइड्रोजन इनकी बायमास फिक्स रेशो होती है और फिक्स रेशो जब भी होती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड फिर है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एज सी ओ टू बहुत मिलती है आजकल व्हीकल्स के पॉल्यूशन से आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के बारे में तो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है अगेन इनकी फिक्स्ड रेशियो रहेगी और फिक्स रेशियो के लिए आप वर्ड याद ही रख लो कंपाउंड जहाँ पर भी कंपाउंड वर्ड मींस एलिमेंट्स की फिक्स रेशो होगी ठीक है और ब्लड क्या है ब्लड एक मिक्सचर है उसमें सेल्स हैं प्लाज्मा हैं डब्ल्यू बी सी आर बी सी इन सब का मिक्सचर है ब्लड तो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और ये हमारा चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है आप ये सारा चैप्टर और क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ